जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी 2021 को लेकर, आप सभी के मन में काफ़ी ख्याल हो रहे हैं कि इस बार क्या इसके फिजिकल में लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो दिल्ली पुलिस और आरपीएफ कॉन्स्टेबल में होते हैं, क्योंकि इनके सभी की बेसिक पे सेम है, क्या इसके जीडी का जो फिजिकल होगा क्या इसमें ये चीज़ें जोड़ी जाएगी, साथ में इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग जोड़ी जाएगी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इस बार ये काफ़ी अपडेट आ रही है कि ऐसे जीडी की नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो मेरिट गई है काफ़ी अब चली गई है, कई बच्चों के 100+ नंबर भी चले गए हैं, 105+ नंबर भी हो गए हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो अब इसके कैसे इसके मतलब मेरिट को डाउन ला सके, इसके लिए एसएससी जीडी की तरफ से किस प्रकार की अपडेट आ रही है, कि मतलब इसके फिजिकल में लॉन्ग जंप, हाई जंप ये भी जोड़ा जाएगा, जो कि एसएससी जीडी को छोड़ के बाकी सभी वैकेंसी केवल आर्मी और एसएससी जीडी में लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं होता है। आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस में होता है, आरपीएफ कॉन्स्टेबल में 14 फीट लॉन्ग जंप होता है, हाई फिट लड़कों के लिए 4 फीट होता है, लड़कियों के लिए हाई फिट 3 फीट होता है, लॉन्ग जंप 9 फीट होता है। तो अब इसकी जो नई अपडेट है वो क्या क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में इसका जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे से या पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो एंड तक बने रही। आपको मैं पूरे के पूरे जितने भी आपके इससे संबंधित क्वेश्चन है वो सभी इसमें कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आ रही है, इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 25 मार्च को है, यानी 25 मार्च को इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। 25 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 10 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जिसका एज क्राइटेरिया 18 से 23 साल, 18 से 25 साल और 18 से 28 साल रहने वाला है एज क्राइटेरिया, क्योंकि अलग अलग 18 से 26 साल ओबीसी के लिए, 18 से 28 साल एससी एसटी के लिए इसका एज क्राइटेरिया रहने वाला। दोस्तों, तो अब अगर इसकी बात करें, जैसे आप नई अपडेट इसके बारे में, काफ़ी नेगेटिव मार्किंग को लेकर काफ़ी अपडेट चल रही है, बाद में फिजिकल पे आएंगे। नेगेटिव मार्किंग को लेकर काफ़ी अपडेट इसलिए चल रही है कि एसएससी जीडी एक ऐसा एग्जाम बचा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी तक इसकी नेगेटिव मार्किंग मतलब ये एक ऐसा एग्जाम आ गया जिसमें नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं रही है, लेकिन इस बार इसमें माइनस मार्किंग रहने के 100% चांस है। ये आप एसएससी जीडी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उसमें आपको देखने को मिल जाएगी कि इसकी जो वैकेंसी है इसमें नेगेटिव माइनस मार्किंग रहेगी 100%, पूरे चांसेस है, क्योंकि अभी ऑल ओवर इंडिया में की जितने भी वैकेंसी है उन सभी में केवल ये एक ही वैकेंसी ऐसी है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो इस बार इसमें भी माइनस मार्किंग ऐड की जाएगी, क्यों? क्योंकि इसकी जो अभी प्रेजेंट टाइम में नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो मेरिट बनी है उसके आंकड़े इस प्रकार से बढ़े हैं कि मतलब सभी की उम्मीदों से पार चले गए, मतलब 100+ भी कईयों के नंबर हो गए नॉर्मलाइजेशन की वजह से। इसीलिए इसके पेपर के स्तर को थोड़ा सा टफ करने के लिए, पेपर में थोड़ी सी और सटीकता लाने के लिए इसमें माइनस मार्किंग ऐड कर दी गई है। ये 100% है दोस्तों, आप ये मान के चलिए। कि अब इसका नुकसान और फ़ायदा क्या होगा, तो दोस्तों इसका अब फ़ायदा जिनको होगा वो होगा पढ़ने वाले बच्चों को, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं पिछले कई टाइम से मेहनत कर रहे हैं, या जो नए बच्चे जुड़े हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, उनको फ़ायदा होगा। अभी से जो बच्चे मेहनत कर रहा है उनको फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि अब तुक्काबाजी नहीं चलेगी, तो आपको अब पढ़ाई करनी है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो इसमें आपका स्कोर अच्छा होगा, और अच्छा स्कोर करने के लिए आपको आज से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन पेपर का जो लेवल है वो ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, पेपर के लेवल में इसमें केवल कंप्यूटर ऐड किया गया है दोस्तों, कंप्यूटर इस बार ऐड किया जाएगा, इसलिए आप कंप्यूटर भी हल्का फुल्का पढ़ते रहे, साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इस बार ज़्यादा आ सकते हैं, आपको स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है। हिस्ट्री धीरे धीरे इसमें कम हो रही है, तो हिस्ट्री पर आप अगर ज़्यादा फोकस नहीं भी करोगे, केवल जो सबसे प्राचीन काल है उसके क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री के, इसके बाकी जो आधुनिक काल है इनके बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं इसमें एसएससी जीडी में। पेपरों में आपने देखा होगा जो पिछले पेपर है उनकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से भी नहीं जुड़े हो तो उसमें जुड़ जाइए दोस्तों। तो अब अगर बात करें इसके जो पेपर है उसमें माइनस मार्किंग ये मान के चलिए 100% रहेगी, और इसका नुकसान उनको होगा जो बच्चे तैयारी नहीं करते, जो तुक्काबाजी करते हैं और तुक्के से कई बार उनके लग भी जाते हैं तुक्के, तो अब ऐसा नहीं होगा, आपको सटीक आंसर निकालना पड़ेगा, सटीक क्वेश्चन का सटीक आंसर निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे हो जाओगे। अब इसके बाद में करें इसके फिजिकल में आपको ये जानने को मिला होगा कि इसका फिजिकल भी अब टफ होगा, कि इसके 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट के लिए, इसका टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट 30 सेकंड में, इसमें भी टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। चेस्ट का मेजरमेंट भी 80 से 85 रहने वाला है, और लड़कियों के लिए चेस्ट मेजरमेंट होता नहीं है, लड़कों का जो वेट का क्राइटेरिया वही सेम रहने वाला है। पुशअप क्या इसमें पुशअप ऐड की जाएगी, या इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप क्या जो बाकी सभी वैकेंसियों में हो रहे हैं क्या इसमें भी ऐड किया जाएंगे? दोस्तों, हो सकता है कि इसका फिजिकल का क्राइटेरिया इस बार बढ़ा दें, ऐसे चांसेस है कि इसका फिजिकल का क्राइटेरिया बढ़ा दें, इसके फिजिकल सेम ना हो, इसके फिजिकल में भी अप जंप, लॉन्ग जंप इस प्रकार जिस प्रकार से आरपीएफ कॉन्स्टेबल की वैकेंसी में होते हैं उस प्रकार एसएससी जीडी की वैकेंसी में भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस मतलब कम है, क्योंकि एसएससी जीडी आर्मी के आधार पर जैसे वैकेंसी कराती है, आर्मी की तरह इसका टोटल प्रोसेस होती है, तो जिस प्रकार से आर्मी में लॉन्ग जंप, हाई जंप अभी तक नहीं है, तो उस हिसाब से इसमें एसएससी जीडी में भी लॉन्ग जंप, हाई जंप ऐड करने के चांसेस कम है।
तो लेकिन फिजिकल के लिए आपको चिंतित नहीं होना। अगर मान लो किया भी जाएगा तो ज़्यादा अप मतलब ये नहीं कि आपको 15-20 फीट लॉन्ग जंप दे देगा, ऐसा नहीं। नॉर्मल 9 फीट या 9 फीट के आसपास डिच किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे जी डी की जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में सभी को अनिवार्य होता है 9 फीट डिच कवर करना। तो हो सकता है कि आपको 9 फीट डिच दे दिया जाए, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग में भी यही होता है, और आपको ऐसे जी डी की जिस भी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होती है उनमें 9 फीट डिच कवर करना आपको पड़ता ही पड़ता है। तो वो भी हो सकता है कि इस बार एड कर दे, तो इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। बाकी अब तक की जितनी वैकेंसी हुई है उनमें मैं बता दूं आपको कि लॉन्ग जंप, हाई जंप ये नहीं होते हैं। इसकी वैकेंसी में केवल फिजिकल में 5 किलोमीटर लड़कों के लिए, 5 किलोमीटर की रनिंग, 24 मिनट का समय, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। साथ में आपके जो चेस्ट मेजरमेंट है वो 80 से 85 होना चाहिए। ST के लिए कुछ छूट दी गई है, मतलब 77 से 82 होना चाहिए। कुछ और स्टेट है जैसे मेघालय, मणिपुर, इनमें भी चेस्ट के लिए छूट दी गई है, इनमें हाइट के लिए भी छूट दी गई है। ऐसे बाकी सभी जगह इसकी हाइट 170 सेमी होनी चाहिए, बाकी इन स्टेटों में छूट दी गई। लड़कियों के लिए इसमें हाइट 157 सेमी होनी चाहिए, बाकी जो मेघालय इनसे बिलोंग करती हैं लड़कियों के लिए 150 सेमी और लड़कों के लिए 162 सेमी हाइट होनी चाहिए। तो वो अलग अलग छूट दी गई है। ये इसका जो क्राइटेरिया है वो सेम रहने वाला है। अगर इसमें जो मेन बात आती है कि इसके फिजिकल टफ करने का कारण क्या है, क्योंकि इसके फिजिकल क्या है, इसका टफ किया जा सकता है, तो टफ करने में ये नहीं कि इसका दौड़ के समय घटा दिया जाएगा, 5 किलोमीटर में आपको 20 मिनट में करनी पड़ेगी, क्या ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 किलोमीटर आपको 20 मिनट में करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि फिजिकल को लेके आपको टफ नहीं आएगा, इसलिए आपको जो मेन चीज़ें अब टफ हो सकती है इसका, हो सकता है पेपर। तो पेपर पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, माइनस मार्किंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और आपको पेपर पे फोकस करने के लिए आज से तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों, और वो भी बड़े तगड़े से। तो आज से ही तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।